2022-23 केंद्रीय बजेट आउ किछि समय परे केंद्र अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण संसद रे उपस्थापन करिवे। आउ मात्र 2 घंटार अपेक्षा दिन 11टा बेले अर्थात दिन 11टा बेले केंद्र मंत्री निर्मला सीतारमण जेऊ बजेट उपस्थापना करिवे, जेऊ आकांक्षित बजेट उपस्थापना करिवे, कारण समग्र देशवासींकर नजर एही बजेट उपर रहिछि। एही बजेट कोरोना महामारी रो ई विकट समय रे वर्तमान आसीबो, एवं जो आशा लोक मानकर रहिछि, साधारण लोक जो आशा करचंती, व्यवसायी जो आशा करचंती, चाकरी जो आशा करचंती, ता उपर ए बजेट आधारित हेउछि कि नाही, एवं केउ सब क्षेत्र को केंद्र सरकार फोकस रे रखुचंती, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, व्यवसाय, एमती तमाम प्रसंगरे आमे आलोचना करिबा। आज एही बजेट प्री बजेट आलोचना करिबा। आम बजेट रो विषय वस्तु रही आलोचनार जन आकांक्षा बजेट 2022, कारण अनेक लोकंकर आकांक्षा रही, आशा रही बजेट को नहीं कि 2021-22 बजेट आसीतला से समय कोरोना महामारी स्थिति आम देश में थी। 2020 आम लॉकडाउन देखिथिले, महामारी रूप देखिथिले, एवं 2022-23 एबे भी महामारी कोरोना समग्र देश को देशवासी को अस्तव्यस्त कर रखी। तेबे एसबु भितरे ओडिशा पाई एही बजेट रे कौन रहिबो, केंद्र अर्थमंत्री ओडिशा भाग को केउस केते अनुदान देबे, एवं ओडिशा रे ओडिशावासी जेउ सब आशा रखिकी बसिचंती, 4.5 कोटी ओडियांकर जो आशा रही ताहा केते पूरण हो पारिबो, एवं जो सब प्रकल्प गुड़िक केन्द्र सरकार को द्वारा ओडिशा को मिलूची, जो सब अनुदान गुड़िक मिलूची से वृद्धि हेबो ना कमिबो, एवं विशेष भाव में टैक्स पेयर अर्थात करदाता बजेट रे कौन प्रावधान रहिबो, करो जो इनकम टैक्स लाभ कमिबो ना बढ़िबो।